नमस्कार, मैं हूं अरुण प्रहार और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं जीजीएम साइंस कॉलेज में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिनान, जो कि किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। तो हिनान, मुझे आप बताइए कि आपने क्रिकेट की दुनिया में कब कदम रखा? क्रिकेट तो मैंने बचपन से ही 7 साल की उम्र से शुरू किया है। मेरे पापा भी खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उनको देख देख के मैंने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया था अपनी छोटी उम्र में। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट ईयर मैंने रणजी ट्रॉफी भी खेला, अच्छी परफॉर्मेंस रही रणजी ट्रॉफी में भी। उससे पहले जो कि डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स होती नहीं थी, हमें पता भी नहीं चलता था कि ट्रायल्स वगैरह की नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर पे आती थी, हम वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते थे, तो इसलिए हमें पता नहीं होता था। लेकिन जब से डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनी तो तब से हमें ट्रायल्स वगैरह का पता चलता है, तो हमें भी मौका मिलता है यहाँ पर आके अपना टैलेंट दिखाने का। जैसे इस साल भी यहाँ पर हमारे किश्तवाड़ से 10 लड़के आए ट्रायल्स में जिनने हिस्सा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाकी नहीं पहुंच पाए यहाँ तक, तो मैं ही एक जो शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आगे ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स अगर होते रहे तो किश्तवाड़ से बहुत सारे लड़के आएंगे और जो अपनी स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आज बनी है, 2 साल से बनी है, तो वहाँ से आपका मतलब पूरा सफ़र शुरू हुआ है या इससे पहले आपने किसी अकेडमी को ज्वाइन किया है या क्या रहा आपका पूरा? नहीं, जैसा कि मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, जो भी कोचिंग की खुद से की, पापा ने बड़ी हेल्प की, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जैसे नोटिफिकेशन आई, सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थे उनको नोटिफिकेशन आई कि सईद मुश्ताक अली के लिए ट्रायल होने वाले हैं, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो बेस्ट 8 लड़के हैं आप उनके ट्रायल ले लो और उनको यहाँ पर कैंप के लिए बुला लो। तो हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसे 8 लड़के आए थे ट्रायल देने के लिए, तो हमने यहाँ पर ट्रायल दिया। उसके बाद हमारा पहले फिटनेस टेस्ट हुआ, योयो टेस्ट, तो उसमें आधे लड़के निकले। उसके बाद हमारे ट्रायल मैचेस हुए, उसमें जिसने परफॉर्मेंस अच्छी दी उनका नाम आगे गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आप चिनाब वैली से आप पहले हमारे जो क्रिकेटर हैं वो उभर के सामने आए हैं। तो अभी तक किश्तवाड़ से जितने 8 आए थे उनमें से कितने ऐसे हैं जो अभी इस ट्रायल तक पहुँचे हैं? आए तो हम लगभग 8 से 10 लड़के थे, लेकिन इस टाइम सिर्फ मैं ही बचा हूँ शॉर्ट लिस्ट में जो यहाँ पर अब लास्ट, आज मुझे लग रहा है लास्ट मैच होगा, आज टीम भी अनाउंस होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे ऐसे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स होते रहेंगे तो बहुत सारे लड़के किश्तवाड़ से भी आएंगे जो स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे और नेशन। आपकी ट्रायल हो चुकी है या अभी होनी है? नहीं, हमारी ट्रायल हो चुकी है, अब लास्ट आज ट्रायल मैच है हमारा, तो आज शाम को या कल सुबह टीम अनाउंस हो जाएगी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए। तो आपके घर में आपके इस पूरे क्रिकेट के बारे में आप उनका क्या कहना है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं या ये कहते हैं कि छोड़ो इस क्रिकेट के इसमें मत पढ़ो, पढ़ाई पे फोकस करो, कोई जॉब ले लो, सरकारी नौकरी ले लो, या वो कहते हैं कि नहीं बेटा करो इसमें मेहनत से काम करो, आगे कहीं ना कहीं तुम्हें ज़रूर इसमें भी कामयाबी मिलेगी? फैमिली सपोर्ट तो मुझे पहले से रहा, चाहे मम्मी हो या पापा, सब सपोर्ट करते हैं मुझे पहले से, उनकी तरफ से मुझे अच्छा सपोर्ट मिला तो उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पर यहाँ पर हूँ, तो उनकी दुआएं बहुत साथ में हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी हासिल होगी। तो जैसे हम जानते हैं कि आप एक बैट्समैन हैं, जैसे आपने अभी बताया है, तो आप हमें ये बताइए कि आपके कौन जो हमारे ऑलरेडी क्रिकेटर्स रह चुके हैं, इंटरनेशनल हों या डोमेस्टिक या रणजी, जिनको भी आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, तो आप बताएंगे कि कौन से वो लोग हैं? मैं अपना जो कि आज हमारे इंडिया टीम के कैप्टन है विराट कोहली सर, मैं उनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ, उन्हीं को देख के उनकी कॉपी करने की कोशिश करता हूं, जो कि हमारे रोल मॉडल भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक दिन हम भी उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। आपने बैटिंग की क्यों चुना? मतलब आप बॉलिंग भी ले सकते थे, विकेट कीपिंग भी ले सकते थे, आपने बैटिंग को ही क्यों इतना वो फोकस दिया? ये नेचुरल, बचपन से ही जब से शुरू किया है तब से ही बैट हाथ में घर वालों ने थमा दिया है, तो उसी की वजह से बैट्समैन नहीं बन पाया। अच्छा, मतलब ये नेचुरल इंस्टिंक्ट थे आपके? ठीक। तो ये थे हमारे साथ हिनान किश्तवाड़ से। आप अभी इस समय हम मौजूद थे जीजीएम साइंस कॉलेज में, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे ट्रायल के लिए आए हुए हैं, उनमें से ही ये किश्तवाड़ चनाब वैली से पहले जो क्रिकेटर और बैट्समैन जो हैं कि चनाब वैली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आप अच्छे लेवल पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।